ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रपोत्र शैलेश तिलक। शैलेश जी, बात हो रही थी कि आजकल के नेता परिवार नहीं कई पीढ़ियों के सोच जाते हैं। ये एक बहुत विशेष सर्कल है, इसे तोड़ने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांग नेता की ज़रूरत है। पता नहीं वो नेता कैसे पैदा होंगे, लेकिन आज के लोगों में जागरूकता बहुत आ चुकी है। शायद लगता है कि कई सालों में इसमें बदलाव जरूर आएगा। देश में जब भ्रष्टाचार का बड़ा माहौल बन गया था, देश बदनाम हो रहा था दुनिया में भ्रष्टाचार के, तब एक नरेंद्र मोदी उभरा, देश को बड़ा विश्वास था। एक साल हो गए, क्या लगता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन में जो कहा वो बिल्कुल सच था, वो करने की हिम्मत उनमें है। लेकिन ये आज उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और 4 महीने 1 साल में हो जाएगा, ये इतना आसान नहीं है, उसको टाइम देना चाहिए। क्या था, लोगों को अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई है, वो तो सही बात है। शैले जी, अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे बीजेपी के कई नेताओं पे, एक साथ लग गए, एक के बाद एक लग गए। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने तो कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर क्या है नहीं, ये तो खाने वाले आराम से और उनका मुंह बंद है खुद। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वो सही बात पे होने के लिए टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि उनको ये हमारी व्यवस्था बदलने के लिए 5 साल भी काफ़ी नहीं है, वो धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन उसको काफ़ी समय। क्या लगता है कि जिस शिक्षा पद्धति को बदल के तिलक ने स्वतंत्रता का ज्वार खड़ा कर दिया था महाराष्ट्र में और पूरे दक्षिण भारत में, क्या वो शिक्षा पद्धति अब बदलेगी? सिर्फ शिक्षा मतलब परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होना नहीं, डिफिकल्ट है, मतलब ये बहुत धोखादायक है। हमारे निर्माण भी जरूरी है, हमारे उनको चरित्र उनको बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए देश का इतिहास क्या है, देश में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोकमान्य तिलक जी के ज़माने में उन सारे नेताओं के पास, वो देश विदेश के सारे विचारवंत थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सभी को पढ़ा जाता था, मतलब वो शिक्षा व्यवस्था में नहीं था, वो अतिरिक्त था, जिससे चरित्र, लेकिन वो पढ़ते थे। आजकल हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। चलिए जी, अगर तिलक अभी होते, लोकमान्य अभी होते, तो अभी ये जो भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, क्या लगता है कि एक हाइपोथेटिकल है कि क्या सोचते हो, क्या करते? आज लोकमान्य होते तो फिर उनकी कलम का जादू आपको दिखाते। केसरी उस समय जब था तभी का केसरी आज भी जिंदा हो जाता था, इस तरह से इजाज़त नहीं देते। आजकल की मीडिया भी काफ़ी नीचे तक गिर चुकी है। एक मैं आपको उदाहरण करके बताता हूँ, एक परसों हमारे यहाँ एक न्यूज़ आई थी, प्रेस में भी आई थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बम्बई में कहीं तो एक सोसाइटी है, उसमें ज़्यादातर गुजराती रहते हैं और कुछ मराठी लोग रहते, तो एक मराठी के घर में कुछ नॉनवेज पक रहा था, इसलिए बाकी लोगों ने उनको पीटा, ऐसी कुछ न्यूज़ थी। और ऐसे ही वो माहौल उन्होंने बनाया कि महाराष्ट्रियन लोगों को गुजरातियों ने पीटा। वो जातियों का जो हम ही अपने आप, हाँ अपने आप हमें उसमें ही फूट डाल रहे हैं, तो गलत बात है ना, उसको सही तरीके से आप, यानी आपका कहना है मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं, मीडिया रिस्पॉन्सिबल बहुत है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ये विजुअल मीडिया जो है वो इतना पावरफुल है, वो बहुत इफेक्ट करती है, और एक ही न्यूज़ आप बार बार दिखाते जाते हैं तो वो अपने दिमाग पर असर तो करती है। तो क्या लग रहा है कि शिक्षा पद्धति के अलावा एक जो हमारी मीडिया है उसको भी तिलक होते तो बदलने की बहुत ज़रूरत थी? कॉम्पिटिशन ये सबसे आज की बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है,
सबसे तेज कौन जाता है, सबसे अच्छी न्यूज कौन देता है, लेकिन वो अच्छी न्यूज है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, भले तेज में एक्सीडेंट हो जाए। सही बात है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि तिलक हो चाहे गांधी हो, इन सब ने इस अखबार की ताकत को समझा था और अखबार की ताकत से अंग्रेजों की तोप का मुकाबला किया था। और सब जानते हैं कि इन अखबारों की ताकत ने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। आज ये अखबारों की ताकत तलवे चाटती हुई क्यों नजर आती है, आज ये मीडिया की जो ताकत है ये इस तरह से क्यों बन गई है, क्या लगता है आपको? इसका इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, उस समय के जो अखबार थे वो अखबार नहीं थे, वो मतपत्र थे। वो अपने जो मत जो था, जो हमें लगता है, उस एडिटर को लगता है, जो वो उसमें रिफ्लेक्ट होता था। आज वापस उसे अखबार पत्र का स्वरूप आ गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली न्यूज़ हो वो फ्रंट पेज पे आ, माने बिकने वाली हो, बिकने वाली हो। आज अखबार तो आज सबसे जरूरत, ज़्यादा जरूरत है उसको वापस मतपत्र तो में बदलने की। आप तो केसरी के मैनेजमेंट में भी हैं, केसरी अखबार संभालते हैं जो कि तिलक ने शुरू किया था, तो क्या केसरी को बेचने के लिए आपको इस तरह के वो नहीं करने पड़ते? करने पड़ते, पड़ता ही है, क्योंकि आज वो इंडस्ट्री बन चुकी है जी, आप स्टैंड ही नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी उसका 100% उसको आप दोष भी नहीं दे सकते। जो आज एक रन करने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन उसको बैलेंस जो है वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, यानी राष्ट्रवादी विचार जरूरी है। ये बैलेंस हम भूल चुके हैं, बैलेंस बन के चलना जरूरी है। एक लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, उन्होंने गणेशोत्सव जो शुरू किया था तब उनको पूछा था कि क्या आपने मुस्लिमों के खिलाफ ये किया था, तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस देश में कई सारे जातियों धर्मों के लोग सदियों से रह रहे हैं और रहेंगे, उसे हम बदल नहीं सकते, उसको दूर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें हर एक जाति को उनको कंट्रोल में रखने के लिए उसका संगठन करना जरूरी है। तो कोई ऐसी ताकत ना हो कि जो ज़्यादा ताकतवर बने और दूसरों को हर जगह बैलेंस। इसीलिए मैं हिंदुओं को या सभी को इकट्ठा करने के लिए गणेशोत्सव को शुरू। एक लोकमान्य की बात करें तो उनकी एक बड़ी थी कि उन्होंने हर चीज़ में लोक संग्रह का, लोगों को जोड़ने का, जनमत को तैयार करने का बड़ा, इसलिए उनको लोकमान्य कहा गया कि वो जनता के मान्य नेता थे। तो ऐसा क्या उनका ये था कि वो हर चीज़ में जनता को, यानी कि धार्मिक गणेश उत्सव हो या कोई क्रांतिकारी या राजनीतिक मामला हो, सब में उनका ऐसा क्या विचार, कैसे क्यों लगा? नहीं, उनका एक सिंपल लॉजिक था कि जब तक ये इस देश के सारे लोग इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए इकट्ठा नहीं हो जाते, इस दिशा में एक तरफ होकर चलते नहीं हैं, तब तक स्वतंत्रता मिलना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने हर प्रकार से यही प्रयत्न किया कि सबको साथ लेके जाए। उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों को ये सब सुधारना है, ये उनके ऊपर ठोक देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएंगे, या हमें दूर नहीं, हाँ धीरे धीरे उनको बदलते जाएंगे, लेकिन आज ज़रूरत है सबको साथ मिलाने की। आज आपको क्या लगता है कि ये देश आज जिस जगह पे खड़ा है, दुनिया में जिस जगह पे है, क्या आज हम सही जगह पे हैं तिलक के हिसाब से, क्या लगता है आपको लोकमान्य तिलक के? आज हम सही जगह पे हैं, हमारी ताकत बहुत बड़ी है, जनता की ताकत जब साथ में हो जाए तो इतनी बड़ी ताकत किसी भी देश में नहीं है, और ये बाहर की ताकतें भी जानती हैं, इसीलिए वे बाहर की ताकतें हमारे देश में ये उग्रवादी या इसी संगठन के द्वारा हमें खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें समझने की ज़रूरत है, समझाने वाला हमारे पास कोई नहीं। 68 साल हो गए आज़ादी को, लोकमान्य तिलक होते तो क्या कहते अपने संदेश में देश की जनता को? आज मुझे लगता है एक स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो उन्होंने ये जो मंत्र हमें दिया था उसे अगले साल 100 साल हो रहे हैं, तो आज स्वराज्य के जगह वो कहते कि सुराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हुए, मुझे हासिल करके लोग, यानी कि शैलेश जी का कहना है कि तिलक होते तो कहते
68 साल की आज़ादी के बाद सुराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और सुराज के लिए जैसा शैलेश जी ने बताया कि सुराज को केवल एक नेता के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं, देश की जनता की जागरूकता और देश की जनता की आवाज़ के भरोसे ही लाया जा सकता है। ये थे हमारे साथ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रपुत्र शैलेश तिलक। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार। We'll be right back.